तो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए से व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक हमारे गांव के पास ही एक सटा एक गांव है, तो चलिए चलते हैं। देखिए गांव का नज़ारा, एकदम मस्त नज़ारा है। अभी गेहूं का कटाई चल रहा है, गेहूं का कटाई होने से सब लोग अपना अपना खेत से गेहूं काट रहे हैं। कुछ लोग सब हैं वहाँ पर, देख लीजिए गाँव का रोड। ये देखिए खजूर का पेड़ जिसमें लगा हुआ है, यही मिट्टी का बर्तन, इसको बोलते हैं कटिया। इसमें से निकलता है ताड़ी। ताड़ी गवर्नमेंट ऑफ बिहार शराब बैन है, मगर ताड़ी अलाउ किए हुए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भूख लगा है, ये थोड़ा भूख लगा हमको लग रहा है। अत्ते टा के भ गेलै, ये दूध पिए छै, दूधे पीबे करै, ओ चारे महीना खेलै। ये कला जो है एक तरीके से अपने आप में विलुप्त ही हो रही है, बहुत कम बचे हुए हैं, एक आध हैं जो लोग बना रहे हैं। वो पुराने लोग सब बनवे, नवका लोग सब आब कम बनवे, या तो माटि नहीं भेटे है। गोरहा देखे छे एक हाथ ले लिए तो 100 रुपया है, माटि एक तेलारी लबे छे तो 1000 है, 1500 है। तो सब चीज पर महंगाई चल गए, तो आब लोग के पुराना लोग के गुंजाइश कनी मनी आब ने। ई कलाकारी जे है सब सीख सकते हैं, हम सब सीख पेबे। कुम्हार बुते हेबे ना करी है, कते कुम्हार के नहीं। मतलब कते कुम्हार, मतलब सीखो पड़े ना बचपन से। नहीं तो सब काम करो पड़े है, देखते रहा। आ सब कते दिन से काम कर रहल छी, हम सब धार नहीं ता से काम करे सीख। कते दिन से सीख रहल छी, मतलब 16-17 साल भेले आ लोग काज करे लगे। आ लड़का के नहीं होय छै किया, सीखे नहीं छते हैं। मोना ने दे है पड़ता, मोना ने दे लाइलन में वो ने क्या पढ़ा लिखा ल घुमा फिरा ल हमरा में भाग यार घुमा लो ने है चाको ने वो बनोती कथि कथि होई है। सा छे ओ हो कुम्हारो जना पढ़ाई छे, यो एकटा पढ़ाई है, जा पढ़ाई है सा यो है। सरकार चल के पीतल के तो पीतल वाला लोग लिया लगले, अब एक बार ले लगा जिंदगी भर एक लगा पूजा करो। डगरी चले पीतल वाला तो कुम्हार के क्या वैल्यू करते। सही बात, माटि के सामान का कहीं माटि सोना से बेसी भाव माटि बिकाए है, सोना से बेसी महग माटि है। ई माटि कौन कते रुपए, मतलब मिले है सब बाहर से लबे छे, हम सब 3000-4000 के टेलर ले छे, अलग से लबे छे, खेत वाला के पाए दियो पढ़े अलग। अब गाम घर में रहल तो कनी कमो में भगल, अब बाहर से लबे तो बेसी पाई लगे।
सकतेरी सब खेत में नहीं माटि नहीं रहे डोकहर जाने छियै डोकहर से लवे सीवी पट्टी रहे डोकहर पे डोकहर कत पड़े है सीवी पट्टी रहे मधुबनी लगभग में ओ मधुबनी में आसपास में जे के ट्राली घेरा के नीचा वाला है ना फोटो सब पूजा उजा में यूज भेल ना कलसा वाला पूजा में शादी में ये पहला है कि ये पहले बनता या पहले बने है ना एक बाद इकराई में ये छोटा वाला एक दिन लगता है बनाने में फिर दूसरे दिन में इसको जोड़ा जाता है और तीसरे दिन यहाँ पे ले आके ये आग के भट्टी में उसको पकाया जाता है। क्या कि खर्चा है ना अभी में छोटका बड़का तकर बाद पकने के बाद ये रिपोर्ट सही बात है बता रही है आंटी की मेहनत कुम्हार इतना नहीं है तो जहाँ भी आप लोग अगर सपोर्ट कर सकें तो इन लोगों को कीजिए ये बना के जो मिट्टी का जो क्ले है एक तरीका से कलर है ये मिट्टी का ही कलर होता है ये दाया गया है और इसके ऊपर लाल पेंट कर दिया जाता है जी जी ये सब जो है सब पूजा और इस सब के लिए यूज होता है तो मैंने सोचा मैं भी खरीदता हूँ एक आध आए हैं तो खरीदना तो चाहिए ये देखिए इसमें दही दही वगैरह जमाइए शुद्ध शाकाहारी बड़ा स्वास्थ्य का भी एक अपना महत्व है उसमें खाने के बाद ये हमने लिया और एक का दाम है 10 रुपया जैसा ये अंकल बता रहे हैं 10 रुपया अच्छे ना दाम चलिए पकाने में जो यूज़ किया जाता है देखिए ये गोबर के उपले हैं ये देखिए यहाँ भी पकाया जाता है ये गोबर का उपला है स्टॉक किया है और ये यहाँ भी है पूरा स्टॉक और ये है लार ये होता है कि ये धान और गेहूं का जो वो नीचे का हिस्सा होता है उसको इकट्ठा करके देखिए शेप है ऐसा लग रहा है शिवलिंग है बड़ा प्यारा क्यूट लगता है ये देखने में बहरहाल बहुत मेहनत है इन लोगों की और क्योंकि मिट्टी को बनाना एक दिन वेट करना फिर उसको आग जला के उसको पकाना और इनका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा है देखिए इन लोगों का जीवन छोटी सी बच्ची है ले 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 इसी शब्द के साथ ब्लॉग का एंडिंग करते हैं आई होप अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बात है इन लोगों का जितना मेहनत है ना उन लोगों से ऐसे जैसे कि ये जो है ये 5-5, 10-10 रुपए का बेचता है और यही चीज़ कोई प्लास्टिक का लेके आएगा तो कम से कम उसको 50 रुपये ही बोलेगा तो आदमी हंसी खुशी देगा तो ये है और ये लोग जितना मेहनत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये लोग आखिरी हैं जो अपने घर में बना रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे जो हैं लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं सीखना भी नहीं चाहते हैं और सीखे भी क्यों क्योंकि पैसा ही कम मिलता है क्यों देखिए अंगूर का गांव में अंगूर